क्यों बोक रहा है तू? हैं? क्या कर रहा हूँ? ब्लॉग बना रहा हूँ, तेरे को यूट्यूब पे डालूंगा, समझा? अब भोक मत, अब चुपचाप बैठ जा, हिलना मत और भोकना मत बिल्कुल भी, ठीक है? समझ में आया ना? ब्लॉग बना रहा हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, मम्मी पापा गए वैष्णो देवी के दर्शन करने, और ऑलमोस्ट 5 दिन हो गया वो लोग को। आज 5 दिन पूरा हो चुका है, और आज 2 बजे की वो लोग की ट्रेन है। जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोगों ने अभी ट्रेन पकड़ लिया होगा, बट अभी आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं क्लास नहीं गया। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो यूजुअली घर पे होने वाला है, कि मैं अभी सो के उठ रहा हूँ, मतलब फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं जो करने वाला हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा। ये अगले 15 मिनट से भाव खा रही है, ऐसे तो चलती नहीं है, बट अब जैसे चल रही है, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा था मैं ब्लॉग में दिखाने आया हूँ ना इसको, अगले 15 मिनट से भाव खा रही है और सही से चल नहीं रही। देखो अब सही हुआ, पहले बहुत आवाज़ कर रही थी, बट अब सही हो गया, सही से चल रही है। अभी ये कपड़े इसमें आधे मैंने डाल दिए सुखाने के, और अभी इतने बचे हैं ये सुखा के, फिर मैं इसको छत पे डालूंगा। भाई अभी काम करना है। अभी मैं जो दिखाने वाला ना, ये देख के मूड बहुत फक हो चुका है, ये देख के ना किसी का भी मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। रुको दिखा रहा हूँ, अभी इतने कपड़े मुझे सुखाने हैं, और फिर बाद में कपड़े सुखाने के बाद ना जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना भाई, वो देख के तो हर कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रुको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तुम्हारी वाइफ अच्छी से मारी गई है। देखो ये है मेरा किचन, किचन में आ चुका हूँ, और ये देखो सरप्राइज MF वो बोलते हैं ना मीम्स, देखो कि नहीं, सरप्राइज MF, ये वही सीन है मेरे साथ में जो अभी यहाँ पे हुआ है। देखो इतना भी धुलना है, पहले मैं कपड़े सुखा लेता हूँ, डाल देता हूँ, फिर मैं इनको धुलने आऊंगा। अभी आप लोगों को जो बोलने वाला सुनो, आप लोग हंस गए क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 3:30 बजने वाला, मैं अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। और अभी ये सब काम देख रहे हो, बर्तन देख रहे हो ना, अभी ये दुनिया भर का बर्तन धुलना, तो अभी एक सेट धुल गया कपड़े का, एक और सेट धुलना है, उसको डाल देता हूँ छत पे, फिर डन कपड़े, ये बर्तन धुल दूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर पूजा करूंगा, तब जाके फाइनली कहीं पे रेस्ट मिलना। तो कपड़े सूख चुके हैं और मैं छत पे लेके आ गया हूँ, अब बस इन लोगों को डालना है, तो भाई डाल देते हैं। और देखो स्कूटर है, स्कूटर जोश में है, क्योंकि स्कूटर को मेरे साथ में खेलना है, ठीक है? तो रुको दिखा रहा हूँ, एक बाल्टी कपड़े भाई, एक बाल्टी कपड़े, और ये तो और पगला है। क्यों बोक रहा था? भोक अब क्यों नहीं बोक रहा है स्कूटर? ए स्कूटर, स्कूटर वे, तू एक बार बता, जब मैं तेरे को ऐसे छूता हूँ तो तू सूसू क्यों कर देता है, ये बता पहले मेरे को तू, हैं? ये बता तू पहले मेरे को तू, कि जब मैं तेरे को ऐसे छूता हूँ तो तू सूसू क्यों कर देता है, सुन तो सही। अच्छा ऐसे चिपक के रहना, अच्छा ऐसे करूँ तुझे मैं, ठीक है? ले कर देता हूँ, ले तू भी मगन रहे, ले देख कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहा है तू, बस हो गया सही। तो भाई देखो ये रहे वो कपड़े, एक बाल्टी बड़ी वाली बाल्टी है, देखो एक बड़ी वाली बाल्टी, इतने बड़े बाल्टी में अब ये कपड़े मुझे डालने हैं। देखो यहाँ पे डालूंगा, ये देखो इसको, देखो इसको खाली पैर के नीचे दब गया ना मेरे, हैं दब गया, अब पाँव दबाक चल रहा है, हैं पागल कहीं का, कैसे चलता है रे, हैं इसीलिए कहता हूँ पाँव के पीछे मत भागा कर। तो देखो भाई ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, इतने सारे कपड़े थे और मोजे मैंने वहाँ पे डाले हैं, रुको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखो वहाँ पे मैंने मोजे डाले हैं, देखो दिख रहा रहेगा, ये देखो ये पूरे मोजे डाले हैं, और ये सारे कपड़े हैं, पिछले 3 दिन के कपड़े हैं, और आज धुल के मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि आज तो मैं छुट्टी पे था, मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, तो मैं बोला चलो यही काम निपटा देता हूँ, और कल मम्मी पापा तो आ जाएंगे। और ये रहा अपना स्कूटर, अभी ये देखो ये पानी भर रहा हूँ बाल्टी में, क्योंकि यहाँ पे पौधे हैं, इन लोग को पानी दे देता हूँ। अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, ठीक है? सबको पता है कि अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, तो टाइम पे मैं काम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह आलसी हूँ, ठीक, दिन भर यूट्यूब स्क्रॉल करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ एंटरटेनिंग। तो अब एंटरटेनमेंट बहुत हो गया, तो थोड़ा काम कर लिया जाए, तो अभी इन पौधों में पानी डालूंगा एंड देन फिर जाके मैं बर्तन धुलूंगा। मेरे को नहीं पता इसको क्या भूत पकड़ा रहता है मेरे को काटने का, बट जब भी आता है मेरा पाँव ही पकड़ता है, एकदम काटने की कोशिश करता है। देखो जरा कितना शरीफ बन के बैठा है, इसको देखो, देखो इसको कैसे कितना शरीफ बन के बैठा है, इतना शरीफ है नहीं है, इतना शरीफ इसको जितना आपको लगता है ना, इतना शरीफ है नहीं है, बहुत बहुत बेकार इंसान। अब इसको हाथ दे दो तो ये हाथ काटने लगेगा, तो जब मैं इसको इसका हाथ दूंगा ना काटने के लिए, तब एकदम चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि अपने हाथ में दर्द होता है ना, दूसरे को दर्द नहीं होता है। इसको देखो, ये देखो कैसे एकदम मक्खन लगा रहा है मेरे को, देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे चिपक एकदम, देख रहे हो, अभी मैंने इसको गुस्सा कर दिया था ना, मारने जा रहा था, हाथ छोड़ दिया था, तो देखो कैसे मक्खन लगा रहा है चिपक के, देख रहे हो, ये देखो ऐसा कोई मक्खन लगाता है? ये भाई से इतना अच्छा लाएगा लेकिन फिर भी काटता है, देखो देखो, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ,
तो भाई अभी इसको खेलना है तो ये मक्खन लगा रहा है, नहीं तो तब तक काटता रहेगा मेरे को। सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया, ऑलमोस्ट सारे के सारे पौधों में। ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इन सब पौधों में पानी डाल दिया है। और ये देखो ये तो अनार का पेड़ है भाई, ये देखो इतने छोटे से पेड़ में देखो फूल भी ला गया। देखो यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो ये रहे भाई, ये तो मेरे को बहुत सही चीज लगती है कि मैं एक्साइटेड हूँ कि जब इसमें क्या हो गया। अरे क्यों बोक रहा है तू, है क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ तेरे को यूट्यूब पे डालूंगा, समझा। अब भोक मत, चुपचाप बैठ जा, हिलना मत और भोकना मत बिल्कुल भी, ठीक है, समझ में आया ना, ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो भी दिखना ब्लॉग में, देख 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 स्कूटर, ये लोग को देख स्कूटर भाई, ये बहुत समझदार है। अगर ये मतलब कुछ नया चीज देगा ना, एकदम क्यूरियोसिटी से देखता है, समझता है और भोगता है कि इसको जानने की इच्छा होती है कि आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। भाई मजा आता है इसको जब ये जिस हिसाब से एक्ट करता है ना, ये देख के बहुत मजा आता है। देखो ये ऐसे बैठे रहेगा मेरे साथ में, देखो ऐसे बैठे रहेगा, देखो एग्जामिन कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। देखो हाथ पीछे कर दे रहा हूँ ना, अभी एग्जामिन कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा हाथ ढूंढता है क्योंकि इसको मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया काटने के लिए, और ऐसे चिपक के बैठा रहेगा। देखो ऐसे चिपक के बैठा रहेगा क्योंकि इसको खेलना रहता है मेरे साथ में, बट मैं नहीं खेल सकता अभी इसके साथ में क्योंकि मुझे अभी बर्तन धुलना है, पता है ना आप लोगों को भाई, अभी बर्तन धुलना। चलो चलते हैं नीचे और धुल लेते हैं बर्तन। देख लो आपके तीन बाबू भैया, तीन नौजवान बाबू भैया, देख लो इनको, आपके बाबू भैया को, नौजवान बाबू भैया को, अभी तुम्हारे बाबू भैया जा रहे बर्तन धुलने, तो धुल लेता हूँ। देखो जैसे इंसान को नहाने से पहले इंसान अपने ऊपर साबुन लगाता है ना, तो ऐसे इन बर्तनों को धुलने से पहले मैंने इनको साबुन लगा दिया है। साबुन लग चुका है, अब बस खाली इनको धुलना है। बर्तन धुल गए हैं, सब लग गए, देखो यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह लग गए। किचन भी साफ कर दिया है मैंने, क्या पता क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बट किचन भी साफ हो चुका है, सब जगह अपनी जगह पे एडजस्ट हो चुका है। देखो तुम्हारा भाई फाइनली नहा हुआ के मस्त रेडी हो गया है, अब चलते हैं पूजा कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलमोस्ट 7:15 हो चुका है टाइम, तो चलो चलते हैं पूजा कर लेते हैं, क्योंकि देखो भाई आज सुबह पूजा नहीं हुई थी और अभी मैं पूजा कर लेता हूँ। देखो फाइनली फाइनली पूजा हो चुकी है, देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं गणपति बप्पा, एकदम बीच में ही है, मस्त लग रहे हैं ना। और ये देखो अपनी देवी माँ, पूजा हो गई है, मैंने वहाँ पे भी दिया जला दिया, देखो गर्भ के बाहर भी दिया जला दिया है, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। देवी और सज्जनों आई होप आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग इंजॉय किया है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे काम कर लिए हैं भाई, मज़ा आ गया, मतलब तबीयत भी खराब थी ना, लेकिन जितना जल्दी जल्दी मैंने काम किया मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज़ बहुत सही हुई कि ठीक है सारे काम टाइम पे हो गए भाई, पूरे 2 घंटे लगे। अब मन कर रहा है कि ये कर रहा है कि सो जाऊं, बट मैं क्या सोचा मालूम, मैंने वो जिम बहुत दिन से छोड़ के रखा और मेरा पेट भी निकल गया है। आप लोगों को दिखा होगा, ये देखो मेरा पेट कंप्लीट निकल गया है, देखो भाई ये देखो पेट निकल गया है ना। तो मैं सोचा कि मैं जिम वापस से ज्वाइन कर लूं, क्योंकि फिर बाद में ना मेरे तो बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि मतलब मेरा पेट निकल, मैं बहुत बार सोचता था मेरा पेट निकल गया, बट मैं सोचा कि आज से मैं जिम चला जाता हूं, तो अभी मैं जिम जाऊंगा एंड देन फिर बाद में घर पे आता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे वर्कआउट करने में एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया और बहुत दिन के गैप के बाद में जा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही। मैं घर पे आ चुका हूँ वर्कआउट करके, बट बहुत अच्छा लगा कितने दिन के बाद में वर्कआउट करने गया, लेकिन भाई बुखार है ना अंदर, तो फिर थोड़ा वीकनेस भी मेरे को लग रहा था कि मतलब जो मेरा कैपेसिटी था वो नहीं हो पा रहा था, तो आज तो फर्स्ट डे इतने दिन के गैप के बाद में फर्स्ट डे था तो थोड़ा इशू आ रहा था, बट अच्छा लगा इतना, मतलब बॉडी एक्टिव फील हो रहा है, जो डेली की तरह मैं बैठ के एकदम आलसियों की तरह पड़ा रहता था ऐसे मरा तो वो नहीं लग रहा है, बट एक्टिव फील हो रहा है मेरे को। तो भाई अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने, हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैगी बनाएंगे, क्योंकि प्याज खत्म हो गया, ठीक है प्याज खत्म हो गया, टमाटर है बट प्याज सब सब्जी वब्जी खत्म हो गए, तो कल सुबह हम लोग खरीदेंगे उसको, लेकिन अभी खाली 2 प्याज हैं, तो अभी हम लोग मैगी बनाने वाले हैं, तो जा रहा हूँ मैं मैगी बनाने। तो ये कहना कि अब इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब लोग अपना ध्यान दो भाई, बाय।